Hello friends, good morning, how are you? I hope all students are fine. We will learn today computer standard 6. Okay students, standard 6, part number 6. Part number 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? Types of computer. क्या पढ़ने वाले हैं? Types of computer. Computer की कितनी types है वो हम पढ़ने वाले. उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? Super computer, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ओके स्टूडेंट, वो हम पार्ट्स पढ़ने, टाइप्स पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये बुक निकाले, कंप्यूटर की बुक सब लोग निकाले, निकाल ली, वेरी गुड. उसमें पेज नंबर 9 निकाले, पेज नंबर 9, उसमें है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. पॉइंट का नाम क्या है? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. मैं पढ़ूंगी स्टूडेंट, फिर आप उसमें अंडरलाइन करना. मैं जब बोलूंगी कि उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, तो आप अंडरलाइन करना. वो जो मैंने अंडरलाइन करवाई, ओके स्टूडेंट, जो मैंने अंडरलाइन करवाई है, उसका उसने आप क्या करना है? उसको पढ़ना है. क्या करना है? रिवीजन करना है. बार बार उसको क्या करना है? रिवीजन करना है, ओके स्टूडेंट. और उसको याद करना है. क्या करना है? याद रखना है. जब मैं एग्जाम में पूछूंगी, तब उसके जब अंडरलाइन की है वो उसमें फिल अप करनी है, क्या उसमें उसका आंसर लिखना है, ओके स्टूडेंट. तो हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. डिपेंडिंग ऑन द साइज, यूटिलिटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी, कंप्यूटर कैन बी ब्रॉडलाइन क्लासिफाइड इनटू द कैटेगरी. कैसे कैसे कैटेगरी में उसको क्लासिफाइड किया है? कि उसकी साइज में, ओके, कितनी साइज है, बड़ी या छोटी है, उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कैसी है, वो हम पढ़ने वाले हैं. कैसी है कॉस्ट के, दे आर क्या कहते हैं उसको, एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, ओके, वो कॉस्ट पर डिपेंडिंग होती है. फिर क्या उसकी स्पीड, सुपर कंप्यूटर की स्पीड स्लो है, ओके, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की कितनी होगी? तो थोड़ी फास्ट होगी. और फिर मिनी कंप्यूटर में उसकी फास्ट होगी, फिर क्या होगा, माइक्रो कंप्यूटर में उससे ज़्यादा फास्ट होगी. और उसकी स्पीड पे वो डिफाइंड होता है, क्लासिफाइड होता है. अब हम पढ़ने वाले हैं क्या स्टूडेंट? फर्स्ट कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर. फर्स्ट टाइप का नाम क्या है? सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर आर लार्ज साइज कंप्यूटर. एंड सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉन्स्टर. सुपर कंप्यूटर कैसा है? एकदम लार्ज साइज है. उसकी साइज कितनी है? बहुत बड़ी है, जैसे कि हमारे कमरे जैसा, ओके स्टूडेंट, जैसे कि हाँ हमारे कमरे जैसा, इतनी बड़ी साइज है उसकी. सुपर कंप्यूटर की साइज कितनी है? बहुत बड़ी है. उसको क्या बोलते हैं? मॉन्स्टर. मॉन्स्टर मीन्स राक्षस. क्या कहते हैं उसको? राक्षस कहते हैं. इतना बड़ा कंप्यूटर है, उसको क्या कहते हैं? मॉन्स्टर्स, ओके स्टूडेंट. उसके नीचे आपको अंडरलाइन करनी है. क्या करनी है? अंडरलाइन करनी है. सुपर कंप्यूटर आर वेरी लार्ज कंप्यूटर एंड सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉन्स्टर. क्या करनी है? उसके नीचे अंडरलाइन करनी है, ओके स्टूडेंट. फिर क्या है नेक्स्ट? दे आर यूज टू परफॉर्म एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टास्क विच रिक्वायर्ड हाई स्पीड एंड प्रिसिशन. क्या कहते हैं? जिसके आपका जैसी रिक्वायर्ड है, उस टाइप का वो सम उसको सोल्व करके देगा. जैसी आपकी रिक्वायर्ड, उस टाइप का सम, वो स्पीड में क्या मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा. कॉम्प्लेक्स टास्क, ओके, कॉम्प्लेक्स टास्क मीन्स के अग्र, क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हम सोल्व नहीं कर सकते, वो क्या करती है, वो सुपर कंप्यूटर सोल्व करके हमको देता है. देन नेक्स्ट, इट टेक्स अ सुपर कंप्यूटर गो सेकेंड टू द वर्क विच योर पीसी क्लूड इन द 90 आवर्स. क्या कहते हैं? सुपर कंप्यूटर के कितनी मिनट सेकेंड लगती है? 90 सेकेंड लगती है. सो सम करने, सम वो हमने टास्क दिया, ओके, कॉम्प्लेक्स टास्क उसको दिया, वो सिर्फ 9 सेकेंड में वो सोल्व करके हमें देता है. फिर हमारा पर्सनल पीसी है, तो उसमें कितने घंटे लगते हैं? उसमें 20 घंटे लगते हैं. कितने? 20 घंटे लगते हैं. इसीलिए सुपर कंप्यूटर कितना है? थोड़ा स्पीडी है. कितना है? थोड़ा स्पीड में वो वर्क करता है. इन द
space technology, they are used the design and constructor rockets. क्या कहते हैं, जैसे कि आपके डिज़ाइन करनी है. ओके स्टूडेंट, कैसी क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी की डिज़ाइन करनी है उसके लिए वो सुपर कंप्यूटर यूज़ होगा. वह मैं जब बोलूँगी तब आपके उसके अंडरलाइन करनी है. ओके स्टूडेंट, तो अंडरलाइन कीजिए. सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड सेटिस्फाइड रिसर्च. इन द स्पेस टेक्नोलॉजी दे आर यूज टू डिजाइन कंस्ट्रक्ट रॉकेट एंड सेटेलाइट लॉन्च देम इन टू द स्पेस. ऑल्सो कंट्रोल मोनिटर एंड दिस मूवमेंट. वैसे क्या करनी है उसको, उस पैराग्राफ को, उस सेंटेंस को आप अंडरलाइन कीजिए. क्या होता है सुपर कंप्यूटर में स्टूडेंट? तो सुपर कंप्यूटर में आपने मूवी देखी है, कौन सी मूवी? मिशन मंगल देखिए सबको. वो क्या होता है मिशन मंगल में, वो रॉकेट कैसा, वो रॉकेट चला जाता है स्पीड में, रॉकेट वो आकाश में जाता है स्काई में. तो उसको कैसे हम स्पीड में लो करें और हाई करें, उसका यूज़ कैसे होता है, सुपर कंप्यूटर द्वारा उसका यूज़ होता है. फिर वेदर कास्टिंग, तो वेदर कास्टिंग का मीनिंग क्या है स्टूडेंट? तो वेदर अप एंड डाउन होता है. ओके, के वेदर इतना है 96 डे. ओके, फिर क्या होता है 45 है, 39 है, वेदर आप जो जस्ट देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, वो सब क्या डिफाइन करता है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? वो सब सुपर कंप्यूटर कंट्रोल करता है. ओके स्टूडेंट, तो सुपर कंप्यूटर हम सब सीख लिए कि उसके अंदर क्या है, उसका यूज़ कैसे होता है, वो हमने पढ़ लिया. और अब देखेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर. क्या देखेंगे? मेन फ्रेम कंप्यूटर. ओके स्टूडेंट, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर कैसा है? दिस कंप्यूटर आर स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर. सुपर कंप्यूटर जितना नहीं है लेकिन उससे थोड़ा कम स्मॉल है. स्मॉल मीन्स के नाना है, के स्मॉलर है. जैसे सुपर कंप्यूटर बिग है, ओके एकदम लार्ज है, वैसा वो नहीं है, वो कैसे है, वो स्मॉल है. बट दे आर वेरी फास्ट एंड एक्सपेंसिव. वेरी फास्ट, वो एकदम क्विकली आंसर देता है, लेकिन वो कैसा है, एक्सपेंसिव है. उसकी कॉस्ट कितनी है? ज़्यादा कॉस्टली है. क्या है वो? कॉस्टली है. मोर देन हंड्रेड पीपल कैन यूज द मेन फ्रेम कंप्यूटर एट द सेम टाइम 100 पीपल उसका यूज कर सकते हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज एट द टाइम 100 पीपल कर सकते हैं. जैसे कि इन द लार्ज इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, एयरलाइंस एंड रेलवेज. कैसे तरह होता है 100 लोग एक एट अ टाइम वर्क कैसे करते हैं? जैसे कि बिग इंस्टीट्यूशन, जैसे कि बैंक में, एयरलाइंस में और रेलवे स्टेशन. ओके, रेलवेज में आपको सबको पता है कि जितने सारे की बहुत बड़े लोग 100 या 99, 95 सब लोग एक ही आते लार्ज वो एट अ टाइम वो वर्क कर सकता है. जैसे कि कौन कौन सी प्लेस पर? तो के बैंक, एयरलाइंस और रेलवे. देन आफ्टर नेक्स्ट, दिस कंप्यूटर आर यूज्ड टू स्टोर एंड एनालिसिस डेटा फॉर मेंटेन अ लार्ज नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर. वो उस टॉपिक में क्या कहे स्टूडेंट? तो वो स्टोर करता है. क्या स्टोर करता है? तो वो एनालिसिस हुआ डेटा को वो स्टोर करता है. देन आफ्टर मेन फ्रेम और लार्ज नेटवर्क कंप्यूटर, उसका नेटवर्क कितना है? बहुत बड़ा है. ओके स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ूंगी, आप अंडरलाइन करना. सुपर वेरी फास्ट एंड एक्सपेंसिव. वेरी फास्ट एंड एक्सपेंसिव के नीचे आप अंडरलाइन कीजिए. देन आफ्टर मोर देन 100 पीपल कैन यूज द मेन फ्रेम कंप्यूटर एट ए टाइम, उसके नीचे भी अंडरलाइन कीजिए. फिर नेक्स्ट,
large and large scale instruction use mainframe computers in the design and manufacture electronics, good and other machine. उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए. देन आफ्टर इन द लार्ज इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, एयरलाइंस और रेलवे दिस कंप्यूटर आर यूज. उसके नीचे अंडरलाइन आपको करनी है. ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या पढ़ा? सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर पढ़ेगी. अब हम क्या पढ़ेंगे? मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर पढ़ेगी. ओके स्टूडेंट, मैंने जब आपको बोला कि अंडरलाइन कीजिए, वो सबने अंडरलाइन कर ली. वेरी गुड. अब क्या करना है कि वो सब अंडरलाइन किए वो अपनी नोटबुक में लिखना है, होमवर्क बुक में वो लिखना है. ओके स्टूडेंट, तो आप सब लोग लिखिए. मैंने जब अंडरलाइन की है वो सब ने आपने लिखनी है. ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं अब मिनी कंप्यूटर. ओके स्टूडेंट, कि मिनी कंप्यूटर कैसा दिखते हैं, उसकी साइज कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, वो कैसे वर्क करता है, अब हम वो देखेंगे. तो फिर मिनी कंप्यूटर. ओके स्टूडेंट, दिस कंप्यूटर आर स्मॉलर एंड चीपर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर. कैसे है वो? स्मॉलर है मतलब छोटा सा है, फिर चीपर है, वो कॉस्टली नहीं है. जैसे कि मेन फ्रेम वो कॉस्टली था. ओके, वो कितना स्मॉलर था, वो कितना है एक्सपेंसिव था ना. वो मिनी कंप्यूटर क्या है? वो स्मॉलर है, देन आफ्टर वो चीपर है. उसके नीचे आप अंडरलाइन कीजिए कि दिस कंप्यूटर आर स्मॉलर एंड चीपर. देन नेक्स्ट, इट कैन बी यूज बाय मोर देन 10 पीपल एट द सेम टाइम. कितने लोग काम कर सकते हैं एट अ टाइम? 10 लोग काम कर सकते हैं. जैसे कि मेन फ्रेम में कितने लोग काम कर सकते थे? 100 पीपल. ओके स्टूडेंट, तो मिनी कंप्यूटर में कितने काम करते हैं? 10 पीपल एट अ टाइम वर्क करते हैं. उसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, देन 10 पीपल एट अ टाइम सेम. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, इट यूज बाय लार्ज इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन. वो कहाँ पर यूज होता है? बैंक में यूज होता है. कमर्शियल एटले कमर्शियल मीन्स बिजनेस में वो यूज होता है. देन आफ्टर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. ओके स्टूडेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो यूज होता है एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन. जैसे कि अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके में वो यूज होता है. तो मिनी कंप्यूटर में क्या देखा स्टूडेंट हमने? वो स्मॉलर एंड चीपर है, एट ए टाइम 10 पीपल आर वर्क, एंड वो कहाँ यूज होता है? बैंक में, कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन आफ्टर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर यूज. वो हमने मिनी कंप्यूटर में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर. तो माइक्रो कंप्यूटर कैसा दिखता है, उसकी साइज कितनी है, उसकी कॉस्ट कितनी है, वो एट अ टाइम कितने लोग वर्क कर सकते हैं, वो हम माइक्रो कंप्यूटर में देखेंगे. माइक्रो कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर आर यूज्ड होम, ऑफिस एंड स्कूल. वह मिनी कंप्यूटर का यूज कहाँ पर होता है? होम, ऑफिस एंड स्कूल. अंडरलाइन कीजिए, कहाँ पर यूज होता है? घर पे हमारा, ऑफिस में हमारे डैडी के ऑफिस में वो कंप्यूटर होता है, वो कहता है माइक्रो कंप्यूटर होता है. और हमारे स्कूल में, ओके स्टूडेंट, अपने नवनिधि स्कूल में हम वो कंप्यूटर लैब होते हैं, कंप्यूटर लैब है, उसमें क्या होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर जितना वर्क हम कर सकते. देर आर यूज टू क्रिएट अ स्टोर डॉक्यूमेंट. क्या कहते हैं? उसके अंदर हम डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं. मेंटेन अकाउंट है वो हम मेंटेन कर सकते हैं. कीप अ रिकॉर्ड लाइक अ डेटा लाइक अ नेम, एड्रेस, फोन नंबर फॉर फैमिली एंड रिलेटिव्स.
आपका फ्रेंड हो या रिलेटिव्स हो, उसके मोबाइल नंबर, उसका नेम, ओके स्टूडेंट, उसका एड्रेस, वो आप स्टोर कर सकते हो। मेन फ्रेम कंप्यूटर पे टाइप है, मेन फ्रेम कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के भी टाइप है। कौन से टाइप? डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर, पीसी कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड हैंडलाइन कंप्यूटर। हैंडलाइन मीन्स पम्पटॉम, आपकी हथेली में वो वर्क करता है उसको क्या कहते हैं? पम्पटॉम। वो हैंडलाइन कंप्यूटर उसको बोला जाता है। पीसी पर्सनल कंप्यूटर, जो आप घर पे यूज़ करते हो उसको क्या बोलते हैं? पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर। तब सबने देखा ही होगा लैपटॉप, उसको क्या बोलते हैं? लैपटॉप कंप्यूटर। वो कौन के उसका टाइप को उस टाइप का कौन है? तो मेन माइक्रो कंप्यूटर में वो आता है। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या देखा पार्ट सिक्स में? तो हमने पार्ट सिक्स में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखे। ओके स्टूडेंट, कौन कौन से? सुपर, मेन फ्रेम, मिनी एंड माइक्रो कंप्यूटर विषय में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट सेवन में क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज पढ़ेंगे, यूनिट वन की एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे। तब तक आप क्या करेंगे? तो आप अपनी बुक में, होमवर्क बुक में जब मैंने अंडरलाइन की है वो वन टाइप लिखनी है। थैंक यू सो मच।